मैं स्नो को ऊपर से लेकर आ गया हूँ। सीन ऐसा है कि स्नो को मोशन भी हो रहे हैं और नज़ला भी हो रहा है, ये चेक करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जल्दी से डॉक्टर के यहाँ लेकर चले। स्नो की ना अभी भाई ने दवाई चेंज कर दी है, बोल रहे हैं जो मैं अब दे रहा हूँ ना वो वाली दवाई दे देना। रेडी केयर आ गई और ये फ्लैश जला गया। अली ने अपने रैबिट को उठा लिया। ध्यान से आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। सबसे पहले हम अपने ना रैबिट को खाना खिला देते हैं, ये अभी इंशाल्लाह सही हो जाए। ओ यार, आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक मशीन लगाई हुई थी मच्छर मारने वाली, भाई फाइनली वो खराब हो गई है यार। एकदम ये सब चीजें खराब हो गई हैं, स्नो बीमार हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एकदम ये गाइस मशीन लग गई हमारी, मच्छर मारती है, फटाक करके आवाज आती है। कैसे आवाज आती है सुन से पूछो। अच्छा कैसे आवाज आती है? जय जय मुबारक हो। पूरे क्वेश्चन डांस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? भाई मैं स्नो को ऊपर से लेकर आ गया हूँ। सीन ऐसा है कि स्नो को मोशन भी हो रहे हैं और नज़ला भी हो रहा है, ये चेक करें। बहुत ख़तरनाक किस्म के मोशन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जल्दी से डॉक्टर के यहाँ लेकर चले। यार कल रात तक ये बिल्कुल सही था, मैं कल रात को जब इसको गाजर खिलाकर आया हूँ ना, तो उसके बाद मैंने सुबह जाकर देखा तो यार बेचारा ये साइड में सुस्त सा बैठा हुआ था, बाकी सब खाना खाने में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा फाद भाई जल्दी से उसको निकालो, और अली को मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया। अली आप रेडी हो? सही है। अली मेरे साथ जा रहा है डॉक्टर के यहाँ स्नो को लेकर। अब हम स्नो की ट्रीटमेंट करवाते हैं। और हसन कहाँ है? हसन भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदर क्या कर रहे थे? मैं दादी के पास था। दादी का इंतजार कर रहे थे? कहाँ जाना है दादी के साथ? आइसक्रीम लेने। भाई आपको पता है हसन आइसक्रीम लेने क्यों जा रहा है? क्योंकि अली मेरे साथ जा रहा है ना? ठीक है हसन, आप आइसक्रीम लेने जाओ दादी के साथ। अरे किराएदार क्यों निकाल रहे हो, बुरी बात होती है। ठीक है, ये देखें भाई बच्चा तैयार हो गया। कल ईदी मिली थी सबसे? भाई बहुत सारी ईदी जमा हो गई थी हसन के पास। सारी अप्पू ने दी थी? सारी अप्पू। ओए होए होए होए, 2 महीने बाद बकरा ईद और गाय ईद है। ओए हसन, ओए होए होए। चले भाई हम चलते हैं, टाइम जाया करे बगैर, क्योंकि पता नहीं बेचारे को कितनी रात से मोशन लगे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे क्या हो गया भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आ जाओ अली। पापा भैया तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। भैया को आइसक्रीम नहीं मिलेगी? ठीक है भाई, भैया मेरे साथ जा रहा है, आप अपनी दादी के साथ चले जाओ। जाओ अल्लाह हाफिज़। वो देखें भाई भागेगा, भागे था गया, मम्मी को तंग करेगा ये। चले भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने पहले पांडा को दिखाया था, ये क्लिनिक बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। यार ये देखना इसको मोशन हो गए हैं यार, कल रात तक ये सही था, अभी इसको ना मोशन हो गए, कुछ खा पी नहीं रहा, कमजोर भी बहुत हो गया है। कल रात को तो ठीक था बिल्कुल, ये अभी मैंने सुबह जाकर देखा ना, देखो कमजोर पड़ गया ना ये, को बहुत खतरनाक मोशन हो रहे हैं ये। मट्टी में बैठा हुआ है? मट्टी में ये मट्टी की वजह से हो रहा है। मट्टी का जानवर तो है ही, ये फर्श पे थोड़ी रखा हुआ मैंने इसको। भाई का ना दूसरा क्लिनिक है, बोल रहे हैं वहाँ लेकर चलते हैं आपको, ताकि वहाँ पर ना तसल्ली से बड़े भाई देख लेंगे। अभी हम इनके मेन क्लिनिक पर पहुँच गए, अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या ट्रीटमेंट करेंगे हमारे रैबिट्स के साथ। हनी और भाई वो देखें, सॉरी स्नो को क्या हो गया, स्नो बहुत सुस्त होता जा रहा है यार, खाना वाना भी नहीं खा रहा, वरना तो निकल के भागता है मेरे हाथ से। क्या हो गया भाई, सही हो जाओ। स्नो की ना अभी भाई ने दवाई चेंज कर दी है, बोल रहे हैं जो मैं अब दे रहा हूँ ना वो वाली दवाई दे देना। अब इसकी दवाई लेते हुए चलेंगे मेडिकल से, और बोल रहे हैं इसकी जो पीछे पोटी वगैरह लगी हुई है ना इसकी सफाई वगैरह कर देना। तो भाई जान बहुत बहुत शुक्रिया यार। चलो आज वाली इसको लेकर चलते हैं। अब दवाई ले ली है भाई इसकी, फाइनली फ्लेजल दिए इन्होंने, सिरप जो है ना फ्लेजल सिरप, भाई बोल रहे हैं फ्लेजल सिरप पिलाओ इसको और पेडिकेयर पानी पिलाओ। यार आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि यार इसकी बेहतर दवाई क्या है। भाई मैं फिलहाल अभी डवागो पहुंच गया हूं, यहां से इसकी दवाई लेते हुए चलते हैं। अली एक काम करो, आप यहां पर अपने रैबिट के पास खड़े हो जाओ मेरे बेटे, पापा आ रहे हैं। सही है, फ्लेजल दे दो और एक पेडिकेयर दे दो। पेडिकेयर आ गई और ये फ्लेजल आ गया। रहमान रहीम, आ जाओ अली। चलो भाई अब हम अपने रैबिट को उठाते हैं, घर चलते हैं। आ जाओ अली उठा लो। अली ने अपने रैबिट को उठा लिया। ध्यान से आ जाओ भाई, आ जाओ। चले भाई हम लोग घर पर पहुंच गए, और पूरे रास्ते मेरा अली बेटा इस तरीके से उठाकर लेकर आया। जी बकरा कट गया लेकर? अरे हाँ भाई वो दुम्बा कट गया जो अटैक करता था, बीमार हो गया था अली शायद वो। चलो आ जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अपने रैबिट्स की थोड़ी खातिरदारी कर लें, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई इसको खाली अभी फिलहाल गाजर दे दो, अभी लूसन वगैरह नहीं देना, इसकी हालत टाइट हुई हुई है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपने रैबिट्स को साफ सुथरा करते हैं, उसको दवाई वगैरह पिलाते हैं। भाई अली अली, मैंने अभी इसको ना फ्लैजल दे दिए, अब मैं इसको ये देखें पेडिकेयर का पानी पिला रहा हूँ। अच्छा, भाई स्नो पियो, भाई पानी पियो। हसन क्या हो गया स्नो को? हसन क्या हो गया स्नो को बेटा? देखो मैं पानी पिला रहा हूँ इसको पेडिकेयर का ना, देखो सिरिंज से पी रहा है, ये छोटा बच्चा है ना ये। जी मैं भी पिला? नहीं आप नहीं पिलाओ अभी, बच्चे नहीं पिला, आप करो कि जल्दी से सही हो जाए। इसके अंदर खून होता है, देखो पी रहा है ना, ये सही हो जाएगा। पूरा पी लिया, देखो पिला दिया। भाई अभी ना हमने स्नो को पेडिकेयर का पानी भी पिला दिया है और फ्लैजल की दवाई भी दे दी है। उदास उदास हुआ बेचारा ना, इसको मोशन हो रहे ना पानी की तरह, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। भाई जिससे हम दवाई लेकर आए ना, उसने कहा है कि भाई इसको ना अलग नहीं रखिएगा, जानवर जो है ना वो यार सदमे की वजह से भी बेचारा मर जाता है, तो इसको ना दवाई देकर ना इसको सबके साथ छोड़ दीजिएगा, और इसको छोड़िएगा मिट्टी में ही, इसको फर्श वगैरह पे नहीं छोड़िएगा। आ जाओ बाहर स्नो, थोड़ी देर बाहर घूमो यहाँ पर। भाई बारिश वाला मौसम हो रहा है, ये चेक करें माशाल्लाह से मौसम कैसा हो रहा है, ठंडा हो गया एकदम ना। मुझे करना क्या है यार, बारिश होने से पहले यहाँ पे साइडों में सब जगह सीमेंट लगानी है, अगर ये नहीं लगाई ना तो जब बारिश होगी ना ये सारा अंदर से पानी जाएगा और सारा गीला हो जाएगा। ये देखें फिलहाल उसने मुझे कहा था कि भाई इसको आप ना वॉश करा दीजिएगा नीचे से, और मैंने देखें वॉश करा दिया इसको। अभी मैं इसको ना अंदर छोड़ देता हूँ ताकि अपने दोस्तों के साथ घूम सके, वहाँ पे उसके दोस्त भी देखे इंतजार कर रहे हैं। इनको बता रहे हो आप? हाँ बताओ इनको, समझाओ, ये देखो इनके दोस्त आकर परेशान हो रहे हैं, समझाओ। हाँ तू परेशान हो रहा है, बोलो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो भाई हसन समझा रहा है, बोला परेशान नहीं हो, सही हो जाएगा आपका दोस्त। अभी बाहर बैठा हुआ यार, उदास उदास सा हो रहा है। सुनो चलो सही हो जाओ भाई। काफी देर हो गई है स्नो को ना इसके दोस्तों के साथ हमने छोड़ दिया है, पर स्नो ना आगे पीछे हो ही नहीं रहा, एक ही जगह बैठा हुआ है इसके लिए देखें, और ऐसी बारीक बारीक फूटियां कर रहा है, अल्लाह करे बस सही हो जाए। खैर मैंने स्नो को ना खाने के अंदर लूसन और गाजर के अलावा कुछ भी नहीं दिया, पर इसकी मोशन की वजह ना मुझे कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं सबको दे रहा हूँ माशाल्लाह से, सारे एक्टिव हैं, खाली स्नो को ही मोशन हुए हैं यार। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, दवाई चल रही है इसकी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। यार आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक मशीन लगाई हुई थी मच्छर मारने वाली, भाई फाइनली वो ख़राब हो गई है यार, एकदम ये सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं, स्नो बीमार हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है एकदम। भाई मैं मशीन खोलकर नीचे ले गया हूँ, अब वो मशीन लेकर चलते हैं किसी को दिखाते हैं कि भाई ये सही हो जाएगी, क्योंकि यार वो मैंने 5,000 रुपये की ऑर्डर करी थी। अली आ जाए बेटा, इनको अंदर करवाएं ताकि हम लोग फिर चलें बाहर, इनको अंदर कर देते हैं। चलो भाई चलो 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 भाई स्नो जाओ अपने घर में बैठो। भाई देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता ना स्नो की पोटी सही हो रही है, गोल गोल कर रहा है, पहले ना ऐसे अजीब सी कर रहा था। इनको बंद कर देते हैं, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अभी हम वक्ते वक्फे से जब इसको दवाई देते रहेंगे ना इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा स्नो। चले भाई मैं नीचे आ गया हूँ, मशीन कहाँ रखी थी? ये रखी हुई, ये देखें भाई, रात को मैं निकाल के लेकर आ गया हूँ, मैंने बोला फहद भाई लो खर्चा आ गया भाई एक और, पहले ही खर्चे कम है, ये एक और आ गया। अब ये पता नहीं इसका सर्किट ख़राब हुआ है या इसकी लाइट ख़राब हुई है, फिलहाल ये लेकर चलते हैं और देखते हैं मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई रात को मैंने इसको खोलकर तो देखा था, पर मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये ख़राब कहाँ से हुई है, सर्किट में से ना इसकी स्मेल आ रही थी। अली ध्यान रखना अपना, सही बेटा चले भाई हम निकलते हैं। आपको ना इसकी ट्रे खोल के दिखाता हूँ, मच्छर तो देखें कितने सारे मर चुके हैं, हुई 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 कितने सारे मच्छर हैं भाई, सूख गए तो पापड़ बन गए। चलो भाई इसको पहले साफ कर लो, अब निकलते हैं हम लोग। भाई मैं इस टाइम 6 नंबर मार्केट में खड़ा हूँ, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक का काम होता है, ये देखिए यहाँ पे माइक्स वगैरह बैटरी वगैरह बनाते हैं ये लोग, लैपटॉप्स वगैरह नहीं, लैपटॉप तो नहीं सॉरी गलती से बोल दिया, मतलब यहाँ पर टोटल देख रहे हैं इलेक्ट्रिक के काम वाम हो रहे हैं। अभी फिलहाल भाई बोलने खोल के चेक करते हैं क्या मसला है। ट्यूबलाइट जल गई है, चलें आगे से लेकर आता हूँ मैं। भाई भाई बोल रहे ट्यूबलाइट लेकर आ जाओ, ट्यूबलाइट खराब हो गई है, चलें देखते हैं मार्केट से कितने की मिलती है ये। भाई 2-4 दुकानें मालूम करी है तो किसी के पास है नहीं, वही बोल रहा है भाई सना इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे चले जाओ। अब ये बाइक वालों से बचते हुए जाना है भाई, ये रही सना इलेक्ट्रिशियन, यहाँ मालूम करते हैं ये। भाई जान ये है कि नहीं है? भाई खुआरी हो गई यहाँ पर भी यार, बोल रहे बाबर मार्केट चले जाओ यार, एक आध दुकान वालों से मालूम करता हूँ।
10 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए, हमारे कुरंगी के जो सपाटर है ना ये रोड पार करने नहीं दे रहे। रुक जाओ भाई रुक जाओ, अब रुक जाओ बाबा ट्यूबलाइट मार दूंगा, रुक जाओ भाई। जितनी भी ईदी जमा हुई थी ना मेरी, ये सब यहाँ देनी पड़ रही है भाई, दो ट्यूबलाइट दे दीजिएगा। तो भाई भाई को ये जल्दी से दे देते हैं, वो बोलेंगे यार इसको जल्दी से पैक कर दें। ये ले भाई जान 280 रुपए की एक दी है भाई। हालत टाइट हो गई है, यहाँ पर हमारी मशीन भी सही हो गई, यहाँ पर बजरी भी लेकर आ गया, यहाँ पर सीमेंट भी लेकर आ गया, और ये खाने का सोडा जो कि हम इसमें मिलाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है यार, कभी भी बारिश हो सकती है, सब गंदगी मच जाएगी हमारी छत के ऊपर। और अपने रैबिट को हम खिलाएंगे सरलेक, तो जल्दी से चलते हैं, पहले उसको सरलेक खिलाते हैं, उसके बाद पूरी चादरों के ऊपर सीमेंट भरेंगे। भाई मैं दुआ कर रहा हूँ कि बस अल्लाह ताला बारिश ना हो, बारिश हो गई ना सारा काम खराब हो जाएगा। उससे पहले मैं कपड़े धोने का सोडा ले आया हूँ, सीमेंट ले आया हूँ, बजरी ले आया हूँ, पहले इसको खाना खिला देते अपने रैबिट को ताकि स्मूथ थोड़ा सेहत पकड़ ले यार। अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर। भाई सबसे पहले हम अपने ना रैबिट को खाना खिला देते हैं। चलो भाई सुनो खाना खाओ, वो खा रहा है अली, खा रहा है देखो, खा रहा है थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो खा रहा है अली, देखो ये अभी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ओ कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा तभी तो सेहत पकड़ेगा। चलो भाई खाओ। सुनो तुम क्या हो गया तुम्हें, पापा तुम नहीं बोलते। सुनो क्या हो गया आपको पापा? जी अभी ना मैं थोड़ा थोड़ा सा खिला रहा हूँ, आप नहीं खिला सकते हसन। भाई माशाल्लाह से हमने अभी सुनो को खाना खिला दिया है, बहुत एक्टिव हो गया, पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीन ये है कि मैंने इस तरफ ना सब जगह सीमेंट भरनी है भाई, ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। चलें भाई स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है भाई। फाइनली ना मैंने ऊपर चढ़कर ना ये चेक करें, सब जगह सीमेंट लगा दिए, अब इंशाल्लाह पानी नहीं आ सकेगा अगर बारिश होती भी हमारे रैबिट्स के केज के अंदर। अभी फ़िलहाल स्नो को उठाते हैं, अंदर कर देते हैं, क्योंकि स्नो हल्के पुलके ना मोशन कर रहा है अभी भी। मेरे स्नो के लिए ना दुआ करिएगा आप लोग कि अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती दे। चले अब जो हमारा आखिरी काम रहता ना वो है अपने बर्ड सूम के अंदर लाइट लगवाना, क्योंकि लाइट तो हम हाथ के हाथ सही करवा के लेकर आ गए ना, ये रखी हुई, अब हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं। चले भाई अब इसको जल्दी से फिट कर लेते हैं ताकि ना मगरिब का टाइम हो जाता है, उसके बाद मच्छर आने शुरू होते हैं ना अली जी। अभी इसको जल्दी से बांध देते हैं यहाँ पर। मुझे तो लग रहा है असल तभी तोड़ देगा। हसन नहीं करो बेटा, बर्ड जल रहे बुरी बात होती है। अली मैंने यहाँ पर इसको टांग दिया है, अब हम बटन खोल के देखते हैं लाइट जल रही है नहीं। आ जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए अली जली क्यों नहीं है, अली यहाँ से हिल रही होगी, चल गई, ये हिल रहा है अली, किसकी वजह से खराब ना हो जाए ये। एक काम करे से किसी चीज से बांध कर रस्सी में, इसको मैं ना थोड़ा सा लूज टाइट कर देता हूँ। जय गाइस मुबारक हो, पूरे क्वेश्चन डांस कर रहा है। चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हमारे हो गए, इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते भाई के चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और स्नो के लिए दुआ करना मत भूलिएगा। स्नो को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती से जल्दी जल्दी से वो सेट हो जाएगा, उसके बाद हम उसके साथ दोबारा से खेलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।